दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो पर। जानेंगे इस वीडियो में स्किन लाइट क्रीम के बारे में। जानेंगे भाई ये गोरा होने की इतनी बेस्ट क्रीम क्यों है, यानी क्यों ये इतना गोरापन लाती है, क्या कारण होते हैं जब स्किन काली पड़ने लगती है, क्यों इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्किन प्रॉब्लम में, क्या ये फेस की सभी प्रॉब्लम में काम आती है, क्या इसके सेफ तरीके हैं, इसको मतलब कब लगाया जाता है, रात में लगाया, दिन में लगाए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस पे क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों स्किन लाइट एक क्रीम आती है, यानी टॉपिकली आती है जो स्किन पे लगाई जाती है। इसका यूज फेस पे किया जाता है, ठीक है। फेस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पर उसको ये अप्लाई कर किया जाता है, यानी उस प्रॉब्लम में लगाई जाती है। इसको डर्मेटोलॉजिस्ट के डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लगानी चाहिए, कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो जानते हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए स्किन लाइट आता है जायडस कंपनी का प्रोडक्ट। ये दो पैकिंग में मिलता है, 15 ग्राम और 25 ग्राम। 25 ग्राम की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो करीब करीब 250 रुपए के आसपास मिल जाता है। आइए जानते हैं इसकी यूज के बारे में कि क्यों लगाई जाती है। तो दोस्तों फेस पे एक प्रॉब्लम होती है मेलाज्मा। मेलाज्मा की प्रॉब्लम में ये लगाई जाती है। आइए जानते हैं मेलाज्मा की प्रॉब्लम। देखिए मेलाज्मा जो प्रॉब्लम होती है ये मेलानिन के ज्यादा बढ़ने के कारण होती है। मेलानिन जो स्किन के अंदर बनता है, फेशियल स्किन के ऊपर अगर मेलानिन ज्यादा बन रहा है तो वहां पर स्किन बहुत ज्यादा डार्क होने लगती है, काली पड़ने लगती है, ठीक है। जब स्किन काली पड़ती है तो उसके साथ साथ दोस्तों छोटे छोटे दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर दाग धब्बे दिखते हैं, झुर्रियां सी दिखने लगती है, ठीक है, रिंकल से दिखने लगते हैं, साथ ही साथ डार्क सर्कल दिखने लगते हैं, दाग धब्बे, या हो सकता है कि वहां पर जलन भी होने लगे, स्किन लाल भी होने लगे। तो कुछ कंडीशन में देखा गया कि खुजली भी चलती है, तो वहां पर जो ये प्रॉब्लम होती है मेलाज्मा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम में इस क्रीम का यूज करने के लिए डॉक्टर अप्लाई करने के लिए डॉक्टर देते हैं दोस्तों मेलानिन को कम करती है। दोस्तों ये जो मेलाज्मा प्रॉब्लम होती है जरूरी नहीं है कि मेलानिन के ज्यादा बनने के कारण होता है, ये कुछ और भी कारण बन सकता है। जो ये प्रॉब्लम होती है कुछ और कारण भी हो सकती है, जैसे कि जब गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है महिलाओं के द्वारा तो उसके कारण भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, छाया आ जाती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं महिलाओं के चेहरे के ऊपर। या दोस्तों ये भी देखा गया कि कोई चोट के लगने के कारण भी ऐसा हो सकता है। हार्मोनल मेडिसिन जो हार्मोन चेंज कर रही है उस मेडिसिन के कारण भी मेलाज्मा की प्रॉब्लम होती है, यानी मेलानिन बन सकता है ज्यादा। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में ज्यादा होती है वो यही कारण होता है। पुरुषों में कम देखी जाती है, महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। आइए बात करते हैं ये काम किस तरह से करती है। तो इसके अंदर तीन सोल्ट आते हैं, पहला है हाइड्रोक्विनोन 2%, दूसरा है मोमेटासोन 0.1% और तीसरा दोस्तों ट्रेटिनोइन 0.025%। दोस्तों हाइड्रोक्विनोन जो होता है ये मेलानिन को कम करता है, जो मेलानिन ज्यादा बन रहा है, साथ ही साथ दोस्तों ये स्किन को गोरा भी करता है नेचुरल तरीके से। स्किन को एक निखार देता है, स्किन की जो परत होती है नीचे वाली उसको ऊपर लाता है, ठीक है, जो ब्लैक लेयर होती है उसको हटाने में काम करता है। दोस्तों मोमेटासोन एक एस्टेरॉइड होता है, ये खुजली में लालिमा में सूजन है अगर चेहरे पे उसमें काम करता है। और जो तीसरा है ट्रेटिनोइन, ये विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है, ये न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है, स्किन को नया बनाता है, कोमल बनाता है और दाग धब्बों को भी कम करता है, इसलिए ये तीनों साथ मिलकर दिए जाते हैं। बात करते हैं भाई किस तरह से लगाएं, इसका बेस्ट टाइम क्या है। तो देखिए आप वैसे दिन में दो बार लगा सकते हैं, लेकिन रात को ज्यादा अच्छी रहती है लगानी, क्योंकि रात को धूल मिट्टी नहीं लगती है चेहरे पर, और जब स्किन हम सोते हैं तो स्किन के जो सेल्स होते हैं डेवलप भी जल्दी होते हैं, तो रात को लगाई जाती है। आप चाहे तो पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं या एक पार्टिकुलर एरिया में लगा सकते हैं जहां पर प्रॉब्लम है। दोस्तों लगाने से पहले किसी भी फेस वॉश से आपको चेहरे को क्लीन करना है, चेहरे को सूखने के बाद हल्के हाथों से लगाना है, रगड़ना नहीं है। ये करीब करीब आपको 7 से 10 दिन तक लगानी पड़ती है, उसके बाद प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, रिजल्ट मिलने लगता है। तो हो सकता है कि 1-1.5 महीने तक लगानी पड़े, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। इसकी कुछ सावधानियां हैं कि कभी भी आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, क्योंकि स्किन खराब भी कर सकती है। अगर आपको ये सूट ना करे, जैसे कि जलन होने लगे, खुजल चलने लगे, स्किन ज्यादा लाल हो जाए, तो एक बार डॉक्टर को जरूर बता दीजिएगा जिसने प्रिस्क्राइब किया। दोस्तों अगर कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस क्रीम को किस प्रॉब्लम में यूज कर रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो हमारे जो व्यूअर होते हैं उनको वो भी देखते हैं इस वीडियो को, उनको पता होना चाहिए आपने किस प्रॉब्लम में ली है या आपके डॉक्टर ने किस प्रॉब्लम में दिया है, क्योंकि अलग अलग दवाई अलग अलग प्रॉब्लम में दी जा सकती है। तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।